बॉडी पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए अगर आप ऐसे कर ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने बहुत पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि ये विंड पाइप जो है हमारा, ये जो नली है, ये सीधी रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके रियाज करेंगे तो भी खींचेगा, ऐसे करके करेंगे तो भी खींचेगा, है ना। नॉर्मल कंफर्टेबल बॉडी पोस्चर अगर आपका है तो बॉडी पोस्चर तो सीधा हो गया अपने आप ही। सुषुम्ना बीच की है, इड़ा मतलब लेफ्ट हो गई, पिंगला हमारी राइट हो गई है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। सुषुम्ना हमारी सेंटर है, तो यही तीनों जो हैं वो इन तीन उंगलियों से जुड़ती हैं। पंडित अवध किशोर पांडे, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ SPW, उनके द्वारा लिया गया एक नया इनिशिएटिव संगीत धरा SPW ऐप। अभी उठाइए मोबाइल और डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों में अवेलेबल है। देखिए, बॉडी पोस्चर का ख्याल रखिए अपना, झुकाव मत करिए, है ना। उस सुर को देखना नहीं आपको, हारमोनियम देखकर थोड़ी सुर आ जाएगा, सुनने से आएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए स्ट्रेट बैठिए, सीधा किसी भी तरफ मुंह कर लीजिए, भले मेरी तरफ करना है वहाँ करना है, जहाँ भी कंफर्टेबली एक बार आप बैठ पाओ। अपनी आसन लगा के, सुखासन में लगा कर, और कमर सीधी कर, गर्दन सीधी कर, और कुछ मुद्राएं हैं जिनको भी हम अगर इंट्रोड्यूस करें, है ना। जैसे कि मैंने बोला ना कि योग भी पार्ट है रियाज का, उतना ही पार्ट है जितना कि संगीत पक्ष है। संगीत पक्ष से तो हम रियाज करते हैं, यानी कि उसमें सुर का ख्याल रख के, लय का ख्याल रख के, ताल का ख्याल रख के, लेकिन योग पक्ष का हम ख्याल नहीं रखते हैं। अब योग पक्ष में क्या आता है, व्यायाम, कुछ मुद्राएं, कुछ आसन, है ना। जैसे कि बॉडी पोस्चर की बात करें कि बॉडी पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं। मैंने बहुत पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि ये विंड पाइप जो है हमारा, ये जो नली है, ये सीधी रहनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके रियाज करेंगे तो भी खींचेगा, ऐसे करके करेंगे तो भी खींचेगा, है ना। नॉर्मल कंफर्टेबल बॉडी पोस्चर अगर आपका है तो बॉडी पोस्चर तो सीधा हो गया अपने आप ही, है ना। इन्वायरमेंट कैसा हो गया कि आसपास धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, धूल मिट्टी होगी तो सांस लोगे तो दिक्कत आएगी, है ना। ये बहुत बारीक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इन सब का ख्याल रखेंगे तो प्रॉपर रियाज हो पाएगा। वरना तो अ उ ओम है, ये पांच ही अक्षर बोल लें, कैसे भी बोल लो, है ना। पर कैसे भी बोलने पर फिर उनका असर नहीं होगा, फिर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा हो और वो आया नहीं, तो वो क्यों नहीं आया, क्योंकि उसकी जो आसपास की चीज़ें थी वो आपने ख्याल नहीं रखी, है ना। कि भाई ये वाली दवाई खाने से हमारा इलाज होना था, डॉक्टर साहब ने बोला था, तो हुआ क्यों नहीं, क्योंकि आपने खाली पेट खानी थी उसको, तो भरे पेट खा ली, और भरे पेट खानी थी उसे खाली पेट खा रहे हो, और परहेज जो जो बताए थे वो रखे नहीं। यानी साथ में उन्होंने बोला था कि ये वाली दवाई खा रहे हो, लेकिन साथ में इस दौरान जब तक ये दवाई खाते हो रोटी मत खाना, सिर्फ चावल खाना, लेकिन हमने उसका ख्याल नहीं रखा। ये बोला कि एक दवाई लेने और दूसरे दवाई लेने के बीच में 8 घंटे का समय होना चाहिए, हमने उसका ख्याल नहीं रखा। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल नहीं रखते हैं, जिस वजह से असर नहीं होता है। रियाज में तो असर है, आपको मैंने बोला कि अ उ ओम लगाओगे तो ये वाले बेनिफिट्स होंगे, लेकिन अगर वो बेनिफिट्स आपको महसूस नहीं हो पा रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि आपने कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको ध्यान नहीं रखा होगा, है ना। तो उसमें योग आ जाता है। अब कुछ मुद्राएं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बोला कंसंट्रेशन का काम है सारा का सारा, तो कुछ मुद्राएं होती हैं। अगर हम हाथ को देखें, आपने देखा होगा बैठते हैं तब हम ऐसी वाली मुद्रा लगाते हैं, पाम्स को ओपन करके ऐसे रख लेते हैं। अब पाम्स में ये नहीं कि ये जो हमारा आर्म है एकदम स्ट्रेट रहे, ऐसा नहीं, नॉर्मल, ये देखिए नॉर्मल रख रखा है, ये आर्म की पोजीशन, यहाँ से जो है ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है ना। अभी आप बैठ के देखिए मेरे सामने, ऐसे नॉर्मल बैठे हैं और खुली हथेलियाँ ऐसे रखी हैं। अब ये हथेलियों का ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाया हुआ है, नहीं, ये नेचुरल है। आप अपना हाथ मुझे ऐसे दिखाइए, ऐसे लटका के, दोनों अपने अपने हाथ दिखाइए, जॉइंट्स हैं, खुद ब खुद है, है ना। ऐसा तो है नहीं हमारा हाथ, है ना। ये मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ, हारमोनियम पर भी काम आने वाली है चीज़, कि जब हारमोनियम पर हाथ रखोगे तो नेचुरल हाथ होना चाहिए। ऐसा ये नहीं कि हारमोनियम के लिए आप अलग से उंगलियां सीधी कर लो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल हाथ में, क्योंकि जॉइंट्स हैं, यही जॉइंट्स हारमोनियम बजाने में भी मदद करते हैं। अगर इन जॉइंट्स का बराबर ख्याल रखा तो हारमोनियम भी प्रॉपर बजा पाओगे, वरना हारमोनियम पर भी हाथ में स्पीड नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम वहां पर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हाथ बदल लेते हैं, और जैसे ही हाथ बदलोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं करना। तो रियाज के दौरान भी इसे, हथेलियों को ऐसे खुला रखो। अब ये हथेली खुला रखने का क्या लॉजिक है, सोचो, हथेली ऐसे खुला रखने का क्या लॉजिक है। अगर ये मुद्रा है ना, कि ये सीधी मुद्रा है, आपने हथेलियां ऐसे खुली रख रखी है, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, ओपन टू रिसीव, एग्जैक्टली, है ना। कोई भी चीज जब हमें चाहिए, हम मांग रहे हैं, ऐसे नहीं मांग सकते ना, या ऐसे नहीं मांग सकते, ऐसे मांगोगे तो मिलेगा कहाँ, और ऐसे मांगोगे तो मिलते ही गिर जाएगा। ये है ओपन टू रिसीव, के जो भी है हमको दे दीजिए, है ना। तो ज्ञान आपको मिलेगा इससे, कंसंट्रेशन आपको मिलेगा जब ऐसे हथेलियाँ रखते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी के सामने कोई चीज़ सीखने बैठे हो तो ऐसे ही बैठो, हथेलियाँ खुली रखकर, है ना, ऐसे मत बैठो। ऐसे बैठ गए तो वो रिसीव नहीं होती है चीज़ें,
है ना, ये कहीं ना कहीं एक बॉडी पॉस्चर के अंदर आता है, ये आपके चलने फिरने के मैनर्स के अंदर आता है। अब इसको कितना कौन मानता है कितना नहीं मानता उसके ऊपर है, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है, अपनी नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा योग इन्वॉल्व करते हैं। हमारी तीन नाड़ियाँ होती हैं बॉडी में, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, वो तीनों नाड़ियाँ, ये जो तीनों नसें हैं, ये हमारी हथेली में किस किस उंगली से जुड़ी है, है ना, उसका ख्याल रखना होता है। और यही तीनों जो है आपको प्रेजेंट में लाती हैं। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी मुद्रा बनती है जिससे कि आप प्रेजेंट में आते हो, वो है पहली, तीसरी और अंगूठा। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए इस तरह से, ये सुषुम्ना, इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये मैं आपको अभी स्क्रीन पर भी बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तीन नाड़ियां आ रही हैं, है ना, सुषुम्ना बीच की है, पिंगला लेफ्ट है मेरे ख्याल से, या ये राइट है ना, वो ऑपोजिट है क्योंकि इन्वर्टेड है ना इमेज, और इड़ा ये वाली साइड है। ठीक है, इड़ा मतलब लेफ्ट हो गई, पिंगला हमारी राइट हो गई है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, सुषुम्ना हमारी सेंटर है। तो यही तीनों जो हैं वो इन तीन उंगलियों से जुड़ती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो कलर कोडिंग है ये उंगलियों से भी जुड़ रहा है मामला, है ना, ये नाद योग के अकॉर्डिंग होता है ये। तो बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काम प्रेजेंट का है, हम ओमकार का रियाज कर रहे हैं, ओमकार प्रेजेंट में लाता है आपको। तो इन तीनों को जोड़ देने से दोनों हाथों में ऐसी मुद्रा बनाना है ना। अब ये ऐसा नहीं कि कैसे जुड़ रखा है ढीले ढीले, ऐसे नहीं जुड़ना चाहिए, ये तीनों बराबर जुड़ेंगी, है ना, ऐसी मुद्रा बनाइए और फिर अपनी हथेली नॉर्मल खुली के बनिस्बत हाँ ऐसे रखनी। ठीक है, कोशिश कीजिए उंगलियां सीधी ही रहें, मुड़े नहीं, ऐसे अगर ये यूं हो गया ढीला हो गया कि जोड़ तो रखी पर बाकी ऐसी जुड़ गई हैं तो मज़ा नहीं आएगा, है ना, वो असर नहीं होगा। असर होता है जब ये तीनों कनेक्टेड रहती हैं, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन प्रेजेंट में रहेगा। तो ये कुछ योग की बातें भी हैं जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधे आ गई, जैसा कि मैंने बताया था चक्र, मूलाधार चक्र अगर आपका स्ट्रेट है, है ना, और आपका ये विशुद्धि जो चक्र है ये भी एकदम क्लियर है, सीधा है, मुड़ा हुआ नहीं है, है ना, और आपका नाभि जो है, नाभि चक्र जो है, यानी अंदर आपका जो स्वादिष्ठान है वो साफ है एकदम, है ना, पेट साफ है। तो ये सारी चीज़ें योग के अंदर, स्पिरिचुअलिज्म ऐसे कनेक्ट होता है, जब ये साफ है और ऐसी मुद्रा बनाई हुई है और तब रियाज कर रहे हो, तब इसको कहेंगे प्रातःकालीन कंठ साधना, यानी मॉर्निंग वोकल रियाज। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, साधना मान के चलिए इसे, है ना, तो उसमें ये इंक्लूड करनी पड़ेगी मुद्रा। तो इस तरह से बैठ के आपको इन इसका ये, क्योंकि ये मंत्र है ना, इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेज, इट्स अ मंत्र, और मंत्र की साधना करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो योग का आपको उसमें आ गया है, कंसंट्रेशन कैसे चेक हो रहा है, ये मुद्रा बना लीजिए, स्ट्रेट बैठिए, फिर ओंकार का उच्चारण कीजिए, अ उ ओम।